अच्छा, अब सबसे पहले ना हम लोगों ने क्या करना है, हमने गूगल पे आना है और आगे सर्च जिस पे जिस गूगल क्रोम के ब्राउजर पे या जिस आईडी बिना हम लोगों ने ये लगाई है ना सारी एक्सटेंशंस, यहाँ पे ये जितनी एक्सटेंशंस ऐड हुई है ठीक है, ये सारी एक्सटेंशंस जहाँ जहाँ लगाई है वो सारी जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, उसी वाले ब्राउजर पे आएंगे और उसी ब्राउजर पे आके हम लोगों ने सर्च करना है FBA टूलकिट। एंटर करेंगे जो सबसे पहली लिंक आ रही है ना FBA टूलकिट की, ये वाली, तो इसको ओपन कर देना। ये ओपन किया, ये इस तरह के ग्राफ्स हमें डिफरेंट शो होंगे, ये आगे बताऊंगी कि इन ग्राफ्स का हम लोगों ने करना क्या है ठीक है। फिर एक न्यू ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ठीक है, कैलकुलेटर लिख के एंटर कर देंगे। तो सबसे पहला आ रहे हैं ना हमारे पास FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजोन सेलर सेंट्रल, ये ओपन करेंगे, कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया ठीक है, ये पेज आ गया, एक ये पेज खोला हम लोगों ने, एक FBA टूलकिट और FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ठीक है, और दूसरा ये खोलना है कीपा.com की वेबसाइट। तब खोलेंगे कीपा जब हमारे पास कीपा की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, अभी कीपा की सब्सक्रिप्शन है मेरे पास तो इसीलिए मैंने इसको साथ ही साथ ओपन करके रखा हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाके कीपा.com हम सर्च करेंगे ठीक है, और इसी के साथ एक न्यू टैब में amazon.com ओपन कर लें। ये इसलिए ओपन किया, सिर्फ हमने ये लोकेशन देखनी थी कि ये न्यूयॉर्क की है या नहीं, ये पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत, ये न्यूयॉर्क होनी ज़रूरी है, या US के साथ कर लें या USA के साथ, UAE के साथ, मतलब पाकिस्तान के अलावा ना जिन मार्केट्स में हम अमेज़ॉन पे काम करेंगे ना वो वाली होनी चाहिए। तो ये आ गया, ये हमारे पास कीपा जब लॉग इन कर लेते होते हैं ना तब, मतलब ये पेड टूल है जिस तरह मैंने बताया था ठीक है। अब ये लॉग इन हो गया मेरे पास, इसके बाद ये हम क्या करते हैं, हम डाटा पर आते हैं। सबसे पहले डाटा वाला ये जो ऊपर गिवन है उस पर आएंगे, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट व्यूअर गिवन है, फाइंडर एंड व्यूअर, हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक किया, इसको स्क्रोल डाउन करके ना, अब यहाँ पे ये जो मेन काम है ना, ये लंबा सा जो पेज हमें शो हो रहा है ये काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसमें पूरा फुल फिल नहीं करना, हम लोगों ने पूरा फॉर्म फिल नहीं करना, सारे फिल्टर्स नहीं लगाए, जो फिल्टर्स हमें बताए गए हैं हम सिर्फ उन्हीं पे काम करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सेल्स रैंक है ठीक है, सेल्स रैंक। अब मैंने क्या कहा था, BSR हमारे पास क्या होता है, BSR सेल्स रैंक है ना, वो हम लगाते होते हैं 1 से लेके 60,000 तक ठीक है। BSR लगा दिया 1 से 60,000 तक, अमेजोन को कर देना आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हम अमेजोन की कोई चीज़ सेल नहीं करेंगे, हम बाकी ब्रांड्स की चीज़ों को सेल करेंगे। अब यहाँ पे न्यू एंड एक चीज़ याद रखेंगे, यूरो गिवन, इसका मतलब है हमने यहाँ पे डॉलर्स अमाउंट ऐड करनी है। तो मिनिमम प्रोडक्ट की जो हम हंट करेंगे अमाउंट होनी चाहिए 15, और जो मैक्सिमम है वो 300 होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं 280 की प्राइस सेट करती हूँ ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पेज था ना ठीक है, इस पे सिर्फ यही तीन, पहले तीन फिल्टर्स हम लोगों ने लगाने थे, एक सेल्स रैंक का, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक करना था एंड न्यू। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम सेकंड पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर शो हो रही है रूट कैटेगरी ठीक है, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्शन हो, इधर से कैटेगरी कोई भी, बहुत सारी कैटेगरीज गिवन है, कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे हम, कोई सी भी कैटेगरी, लेट्स सपोज बेबी प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, या हम आ जाते हैं टॉयज एंड गेम्स पे आ जाते हैं ठीक है। ये कैटेगरी सेलेक्ट की, बस रूट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, अब न्यू ऑफर काउंट का मैंने बताया था कि न्यू ऑफर काउंट होती है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ होलसेलर्स। तो प्रोडक्ट की मिनिमम अमाउंट मैंने बताई थी होलसेल सेलर्स होने चाहिए 4, एंड जो मैक्सिमम बताई थी दैट वाज 25। तो बस ये हम लोगों ने लिख दिया, इस पेज का भी काम खत्म। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए बाय बॉक्स ठीक है। अब बाय बॉक्स जो है ना वो हम लोगों ने इधर क्या करना है, बाय बॉक्स सेलर होनी चाहिए थर्ड पार्टी ठीक है, ना अमेजोन ना कोई सेलर पर्टिकुलर होगा ठीक है, थर्ड पार्टी की, इसको छोड़ दिया। आगे एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस गिवन है, बाय बॉक्स इज FBA, इसको येस करना है क्योंकि हम लोगों ने FBA पे काम कर रहे हैं। तो बाय बॉक्स जो है वो FBA लेना है, जो भी प्रोडक्ट है वो फिजिकल होनी चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। वेरिएशंस की बात है तो वेरिएशंस में ये होता है कि कुछ, अब जिस तरह ड्रेसेस हो गए या शूज हो गए उनमें वेरिएशंस आ जाती है, मतलब अब जिस तरह से कोई शर्ट है तो उसमें क्या होता है कि लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम, तो इस तरह से वेरिएशन आ गई। यहाँ कलर्स की वेरिएशन आ जाती है कि पर्पल में है, ब्लू में है, पिंक में है ठीक है।
तो ये वेरिएशंस है। तो वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट जो है ना, वो थोड़ा सा काम उनके साथ, मतलब उनको हंट करना थोड़ा सा, मतलब हम तब करते हैं जब बिल्कुल हाई लेवल पर हम जा चुके थे, इसलिए क्योंकि अब अगर वेरिएशंस में पहले वेरिएशन से स्टार्ट कर दें, ठीक है, लेट सपोज अब मेरी जितनी भी शर्ट सेल हो रही है ना, वो मीडियम साइज की सेल हो रही है, ठीक है, अब मेरे पास जो लार्ज पड़ी हुई है और स्मॉल पड़ी हुई है वो तो वेस्ट हो जाएंगी, वो लॉस्ट हो गया मेरा, इसीलिए वेरिएशंस को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, नो वेरिएशंस पर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं जी इसी पेज पे, रेटिंग है, ठीक है, तो मिनिमम जो प्रोडक्ट की रेटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3.8 मिनिमम रेटिंग, और जो रिव्यू काउंट है, रिव्यू काउंट हमारे पास मिनिमम जो रिव्यूज होने चाहिए वो होने चाहिए 60, एटलीस्ट 60 रिव्यूज हो। इसके बाद ये जो जितने भी चेक्स है ना, इनमें फर्स्ट एंड लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे क्या कर देने हैं, अनचेक कर देने, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला मैंने चेक रहने दिया, बाकी सारे अनचेक कर दिया। अब फिर हम थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे, यहाँ पे आइटम का वेट अब हम लोगों ने बताना है, ठीक है, मिनिमम वेट तो ऑब्वियसली वो हमारे पास 1 से लेके जितना भी हो, लेकिन जो मैक्सिमम वेट है ना वो 2500 ग्राम होना चाहिए, आइटम का वेट 2500 ग्राम होना चाहिए, और अगर LB में है ना तो उसका मैक्सिमम वेट 5 LB होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेट ना हो। अब ये लास्ट है एडिशनल स्विचेस, इसमें क्या करना है, इसमें अडल्ट प्रोडक्ट को कर देना है नो, ट्रेड इन एलिजिबल इसको भी कर देना है नो, ठीक है। अब ये तो चीजें नो कर दी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ये पेज के एंड पर बिल्कुल आगे हम। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर करंट फिल्टर मैचेस 540 प्रोडक्ट्स, मतलब मैंने जो फिल्टर लगाया है ना उस फिल्टर के अकॉर्डिंग 540 प्रोडक्ट्स मुझे अमेजोन जो है वो अब शो करवाएगा, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देती हूँ, कीपा लॉग आउट हो गया, कीपा ये अक्सर लॉग आउट हो जाता होता है। अच्छा, तो जब फिल्टर्स लगाए ना तो ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास स्क्रीन पे सामने शो हो जाती हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स के साइड पे ये जो ए लिखा हुआ है ना, उस ए के ऊपर क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। सिमिलरली जितनी भी प्रोडक्ट्स उनके ऊपर जो ए लिखा हुआ है अमेजोन, वो हम लोगों ने ओपन करना है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो ब्रांड और बाय बॉक्स सेलर है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए हमारे पास, मतलब जिसके पास जो ब्रांड है ना उसी के पास बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों डिफरेंट हम लोगों ने कर लिया। और ये किस तरह से हमें पता लगेगा, ये सिंपल यहाँ पे आप फर्स्ट के सेकंड वाले देखें, यहाँ लिखा हुआ है कीविक रिटेल, ठीक है, बाय बॉक्स जिसके पास है, और जो ब्रांड है वो फरनाम का है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हमने ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर ली, ठीक है। इसी तरह अब ये किस तरह से हमें ब्रांड और बाय बॉक्स होगा, ये कन्फिगर कॉलम के ऊपर जाके क्लिक करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके वहाँ ऑप्शन होता है ब्रांड, उसको टिक करना है, बाय बॉक्स FBA उसको टिक करना है, और बाय बॉक्स सेलर को हम लोगों ने टिक करना है। अब ये एक प्रोडक्ट हम लोगों ने खोल लिया, ओपन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसकी सारी लिस्टिंग, अब ये दूसरी प्रोडक्ट जो ओपन की थी ये वो है,